For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. Assalamu alaikum. आज मैं आप सबको बताऊंगा कि बैंक अलबिलाद में आपने अपना नेशनल एड्रेस कैसे अपडेट करना है. उसके लिए आप बैंक अलबिलाद डॉट कॉम ओपन कर लें, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें. लेबल को सामने एक नोट भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि 15 अप्रैल से पहले पहले अपना नेशनल एड्रेस अपडेट करें. लॉगिन, अपना यूज़र नेम एंटर कर दें, पासवर्ड एंटर कर दें, लॉगिन पर क्लिक कर दें. आपके मोबाइल पे ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कर दें. और प्रोसीड पे क्लिक कर दें. ये आपका होम पेज ओपन हो गया है. इसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे लिखा है प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक कर दें. पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है, बेसिक डिटेल. नेक्स्ट पे क्लिक कर दें. टाइप ऑफ रेजिडेंट एड्रेस, नेशनल एड्रेस. आपने अपना नेशनल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है. और अगर किसी को ये नहीं पता कि नेशनल एड्रेस क्रिएट आपने कैसे करना है या रजिस्टर कैसे करना है, तो ये ऊपर राइट साइड पे एक लिंक आ रहा है. इसमें पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, पूरा मेथड बताया हुआ है कि आपने अपना नेशनल एड्रेस कैसे बनाना है. डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नंबर, यूनिट नंबर ज़रूरी नहीं है, पोस्टल कोड, एडिशनल नंबर, स्क्रॉल डाउन और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें. याद, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट, द फील्ड मस्ट बी फिल्ड इन इंग्लिश. अरबिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको इंग्लिश में ही एंटर करना पड़ेगा. आपकी कंट्री का सिटी नेम, ये भी आपको इंग्लिश में ही एंटर करना पड़ेगा. नेक्स्ट, जॉब डिटेल्स, आपके एम्प्लॉयर का नाम, पोजीशन. Date of joining,
ये सब आप नेक्स्ट कर दें एक दफ़ा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके। आईडी डिटेल्स, एक्सपायरी डेट अपनी एंटर कर दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिट कर दें। आई एग्री, कंफर्म। आपके मोबाइल पे ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो ये सारा इसका तरीका है नेशनल एड्रेस अपडेट करने का। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको यूज़फुल लगी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।